गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं कुसुम कुमारी, प्राइमरी स्कूल कन्या तुलसीपुर, बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट, आप सभी का वर्कशीट ट्यूटोरियल क्लास में वेलकम करती हूँ। प्यारे बच्चों, कुछ लोगों की शिकायत थी कि वो क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं, कुछ पेरेंट्स का कहना था, इसलिए मैं ये ट्यूटोरियल वीडियो बना रही हूँ। एंड इस वीडियो में आपको हम लोगों ने पहले 3 साउंड्स पढ़े थे, आज हमारे पास नेक्स्ट 3 हैं IT8, INN एंड IG8। और ये आपने पिछले वीडियो में सब सीख लिया है, तो अब आप वर्कशीट पे आ जाइए। वर्कशीट आपको किस तरीके से करनी है उसकी मैं जानकारी देना चाहूँगी आपको। प्यारे बच्चों, देखिए कैसी लग रही है। हाँ, प्यारी लग रही है ना, आप सबको कैटरपिलर बहुत पसंद है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। पिक द करेक्ट लेटर फ्रॉम द बॉक्स टू मेक न्यू वर्ड लाइक बिन, BIN, बिन। तो आपको इसमें ये जो गिवन बॉक्स है इसमें से लेटर्स चूज करने हैं और खाली कॉलम्स में भर के न्यू वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बी, यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं। सपोज़ आपने आई लिया, आई यहाँ लिख दिया। सपोज़ आपने एम ले लिया, एम यहाँ लिख दिया, तो ये क्या बन गया, बिन, ठीक। इसी तरीके से आपको लेटर्स चूज करने हैं और न्यू वर्ड्स बनाने हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, पेंसिल बहुत अच्छी लग रही है ना। हाँ, मुझे पता था। चलिए क्वेश्चन क्या है, मैच द राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। आपको इसमें राइमिंग वर्ड्स को ऐसे मैच करना है, ठीक है। आप करते हो ना मैच, मैच द फॉलोइंग, वही सेम है राइमिंग वर्ड्स। अगर कुछ बच्चे भूल रहे हैं तो फिर से रिवाइज करवा दूँ। राइमिंग वर्ड्स मीन्स सेम साउंड वर्ड एट द एंड, ठीक है। आखिरी में आपको वो सेम साउंड सुनाई देगा, बिगनिंग में केवल उनका जो बिगनिंग लेटर होता है वो चेंज होता है। सपोज ये है बिन, तो बिन से मैच हम करेंगे TIN, टिन को। एन ये भी है, एन ये भी है, लास्ट साउंड न है ना, तो हम इसको मैच कर सकते हैं। इसी तरीके से केयरफुली आप पढ़ेंगे CVC वर्ड्स को और उन्हें मैच करेंगे। डन, ओके। एक्सरसाइज 3 है ना, सर्किल द करेक्ट राइमिंग वर्ड्स। अब इसमें आपको देखिए ये जो फेस में दिए हुए हैं वर्ड्स, इनसे मिलते हुए करेक्ट राइमिंग वर्ड्स को सर्किल करना है। जैसे BED बेट, तो TED टेड, तो टेड को आप सर्किल कर दीजिए। इसी तरीके से हर फिगर में आपको करना है। अब एक्सरसाइज नंबर 4, ये इसमें तो ट्री बना है, और ट्री, ओहो ट्री कुछ कह रहा है। बेस्ट ऑफ लक किड्स। अच्छा, आप सभी को वर्कशीट पूरी करने के लिए बेस्ट ऑफ लक कह रहा है। ट्रीज तो वैसे ही बहुत अच्छे होते हैं, हम सभी जानते हैं ना, ट्रीज ना हो तो हमारी लाइफ ही इम्पॉसिबल हो जाएगी। हाँ चलो, तो ये देखिए ट्री आज हमारे लिए क्या लाया है। बहुत सारे CVC वर्ड्स हैं और हमने सीखे हैं 6 CVC वर्ड्स, एड, एट, एन, एट, इन एंड एग। और इसमें से हमें हर कॉलम के लिए जो भी सही वर्ड्स हैं उनको चूज करके लिखना है, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि साउंड्स अभी आपके कितने क्लियर हैं, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं हूँ ना, आपको फिर से समझाया जाएगा। ये तो सभी को आ जाएगा, डोंट वरी। हमारा फाइनल क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन आउट As per their sounds। Odd one क्या होता है बच्चों, आपको पता है, आप पिछली क्लास में भी करते रहे हैं, बेमेल शब्द, यानी जो कैटेगरी में थोड़ा अलग हो। तो इसमें हमें बताया गया है कि हमें साउंड्स के अकॉर्डिंग जो odd one है उनको निकालना है। तो जैसे बैट, कैट, रैट, मैट। अभी देखिए इसमें बीच में वॉवल ए है, जबकि इसमें ई है, तो इट मीन्स कि मैट इज ऑड वन। तो ऑड वन को आप आउट करके कहाँ लिखेंगे, फिश के टेल में लिखेंगे। इसी तरीके से सेट, फिट, नेट, नेट, तो नेट को लिखेंगे। इसी तरीके से आपको देखना है कि किस में क्या ऑड वन है और उसको आपको फिश के टेल में लिखना है। बस ये आपकी फाइनल एक्सरसाइज थी लेसन नंबर 2 के लिए, ठीक है। और हम लेसन नंबर 3 में आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए
बाय बाय, सेफ रहिए, मास्क पहन के ही बाहर निकलिए, सैनिटाइज करके रखिए और हल्दी दूध का सेवन ज़रूर करिए।